तो भैंसो है। बोला तो ऐसो भी आदमी है, ऐसा अलग ही तरह का आदमी है, अपन क्या करे। लेकिन आजकल के बच्चे हैं ऐसे हो गए, उनको मोटरसाइकिल ऐसी चाहिए, पीछे से उठी हुई, फिर गड्ढे में, फिर यूं आगे। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, अगली सवारी नीचे, सड़क का टारगेट पीछे। अगली सवारी नीचे इसलिए होती है उससे उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है, सड़ा नीच प्रवृत्ति का है। और पिछली सवारी तो बेटा अपन देखा ड्यूटी पे ऐसे बैठे कि जाना कोई ऑक्टोपस बाबा बैठे हो, मुंह के नु बांध के डाकू हसीना सी, और अगली सवारी को गुदगुदी गुदगुदी। इस अवस्था में अगली सवारी का हाजमा ठीक रहता है। अच्छा, फिर वो थोड़े दिन बाद मान लो उसी जोड़े का ब्याह हो जाए, तो पहले तो वो दोनों तरफ टांग करके बैठा था पिछली सवार, अब वो एक तरफ और हाथ उसके कंधे पे, तो उसका मतलब ये थे कि पहले तेरे पेट पे तो मैंने लात मारी थी, अब ससुरे तेरा कंधे तोड़ूंगी। उसके बाद जिंदगी स्कूटर पे आ जाती है, तो जो नीचे वाली सीट थी ना अगली, वो थोड़ी ऊंची, बीच में गड्ढे वाली दूरियां, और वो जो माई होती है ना, वो बाबा पे अब कोई विश्वास नहीं करती, वो पीछे स्ट्रैप नहीं पकड़ के अलग, बाबा अलग। अच्छा, बाबा इतना सटिया जाता है, वो है ना चश्मे को करता 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 किसी के भी टक्कर मार देगा, और फिर जवान सा छोरा हो जाएगा, ये गधे वाले दिन तो हमें भी आए थे भाई, देख के चला कर। उसके बाद जिंदगी लूना पे आ जाती है, बाबा की उम्र भी 90 साल हो जाती है, हर तरफ से चूना लग चुका होता है, जिंदगी लूना आ जाती है। लेकिन जिंदगी शानदार तरीके से अब जीना आना चाहिए, और बहुत मत खुद पे मजाक करोगे ना तो सारा वो निकल जाएगा। अपन टेंशन में रहता सारा दिन, दूसरों किसी बात की टेंशन, आप किसी भी जाते हो, कोई किसी के साथ जा रहा हो है ना, और जा रहा हो मिसेज के साथ, उसको जाकर भाव जी नमस्ते, उसको हस्बैंड टेंशन में, यो कौन तो मारे से ही बात ना करे, मतलब टेंशन मेरे फूल की। और मान लो वो आदमी दोबारा मिल जाए तो आज तो नहीं बैठा रह, भाई साहब टेंशन कहीं भी हो जाए, तो टेंशन कतई मतलब इसकी एसिड एसिड टेंशन की साठ हाथ है।